Guys, welcome to Daily Football Madness और uh, international break के बाद और बहुत important game होने वाला है ये Barcelona के लिए और बहुत मतलब आसान गेम नहीं होने वाला तो लाइनअप स्ट्रेटेजी ठीक है उसके ऊपर बात करेंगे प्रोडिक्शन देंगे ऑब्वियसली कुछ ट्रांसफर न्यूज चल रही है उसके ऊपर बात करेंगे डिटेल uh, के अंदर लेकिन सबसे पहले बार्सलोना वर्सेस रियाल बटेस्ट चावी ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और काफी ज्यादा यहाँ पे पेलीग्रिनी की फुटबॉल को प्रेज किया है पेलीग्रिनी की टीम को प्रेज किया है कि अच्छी पोजेशन बेस्ड फुटबॉल खेलते हैं आ, काफी डिफिकल्ट है प्रेसिंग उनकी बहुत अच्छी है तो रियाल बटेस को हमने देखा ओवर द ईयर काफी ज्यादा इंप्रेसिव दिख रहे हैं तो इट इज नॉट गोइंग टू बी एन ईजी मैच लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि बार्सोलोना ने जैसे चावी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ट्वेंटी डेज के अंदर सेवन मैचेस अपने खेलने हैं

कि शायद बेटेस के गेम में उतरा नहीं करना चाहिए आई नो अनफर्ग वाला गेम जो है वो पहला गेम है चैंपियंस लीग के साथ जो है वो आपकी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं मेरी भी हैं चावी की भी हैं टीम की भी हैं बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बेटेस का गेम ज्यादा टैक्टिकली कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है ज्यादा मुश्किल हो सकता है तो और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं अभी लाइनअप के ऊपर बात करूंगा ना तो ऑटोमेटिकली आपको ये चीज पता चल जाएगी कि बार्सुलना के कुछ प्लेयर्स ऑलरेडी रेस्टेड रहेंगे ठीक है तो और कुछ प्लेयर्स अवेलेबिलिटी भी नहीं है तो जिसकी वजह से कुछ प्लेयर्स को लाजमी खेलना पड़ेगा तो उसके ऊपर हम जल्दी से बात कर लेते हैं लेकिन चावी ने आपदे के बारे में ऑब्वियसली वो ओवरियार बट प्लेयर उन्होंने कहा है कि ही इज नॉट अ लॉस्ट कॉज येट मतलब हमारे पास बाय बैक लॉज है जैसे हमें पता है ट्वेंटी मिलियन का है तो वो बारसुना वापस आ सकते हैं और उन्होंने क्लियरली कहा कि वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे और आपदे ने भी स्टेटमेंट दे चुके हुए हैं कि वो उनको स्टार्ट नहीं मिल रहे थे और वो स्टार्ट ही एक्सपेक्ट कर रहे थे और चावी ने ये बात सिंपल कही है और आई थिंक मैं चावी के पीछे भी हूँ इस बात ऊपर के कि के भाई ऐसा नहीं हो सकता था। आपको फाइट करनी है जैसे फेरन कर रहे हैं फाइट बाकी प्लेयर्स कर रहे हैं फाइट आपको फाइट करनी है ऐसे आपको प्लेट पर रख के जो है वो स्टार्टिंग एलेवन के अंदर जगह नहीं मिल सकती थी तो आ, ठीक है यार उन्होंने अपना डिसीजन ले लिया और होपफुली वो, वो इंप्रूव करें और बारसा अगर वो अच्छे बहुत प्लेयर बन जाते हैं तो ट्वेंटी मिलियन फ्यूचर के अंदर बारसा दे सकती है उनके लिए अब लमीन एमार के ऊपर उन्होंने वही बात की जो मैं हर मैच में कहता हूँ लोग कहते हैं भाई उसको यूज ना करो उन्होंने कहा भाई मैं जब यूज नहीं कर रहा था तब लोग कह रहे थे यूज करो अब मैं यूज कर रहा हूं तो लोग कह रहे हैं यूज़ ना करो भाई मेरे हिसाब से वो आई नो ओवर यूज वो कभी भी नहीं करेगा चाबी जब उसके पास ऑप्शन होंगी वो कभी भी कोई भी मैनेजर सोलह साल के लड़के को ओवर यूज या अब्यूज नहीं करता ठीक है अब्यूज का वही मतलब है ओवर यूज ठीक है तो आई थिंक ठीक है अगर वो स्टार्ट करता है तो करना चाहिए आगे जाके आप गेम्स जो है वो मैनेज कर सकते हैं बट क्या स्टार्टिंग एलेवन होनी चाहिए बार्सिलोना की आ, के क्या ऑप्शन अच्छा, आ, आ रहा है कि के जो के स्क्वाड का हिस्सा हो सकते हैं अब ये कौन है जो न्यूज आ रही है वो ये है कि यू कैन प्ले इन डी एम पोजिशन राइट फ्रेंकी या फिर रोमियो की पोजिशन के ऊपर खेल सकते हैं और थोड़ा सा एडवांस भी वो खेल सकते हैं तो ये एक अच्छा साइन है कि हम यहां से प्लेयर्स को अपने प्लेयर्स को उठा रहे हैं और उनको

या तो वो एंटवर्क के अगेंस्ट स्टार्ट करेंगे या फिर रियल बेटिस के अगेंस्ट स्टार्ट करेंगे तो रोटेशन के अंदर शायद वो एक मैच में स्टार्ट करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि आज के मैच में रियल बेटिस का मैच काफी इंपॉर्टेंट है तो आप और कुंडे को ही स्टार्ट करें आ, और मुझे लगता भी है यही होगा कंसेलो को राइट साइड के ऊपर स्टार्ट करें प्लीज, प्लीज 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 ये मैं हाथ जोड़ता हूँ रोबर्टो को स्टार्ट मत कर देना स्टार्ट कंसेलो लेफ्ट साइड के ऊपर आप बाल्डे को स्टार्ट करें फिर आपकी चार मिडफील्ड आ जाएगी जिसके अंदर रुमे होंगे फ्रेंकी होंगे यू कांट बेंच देम सिंपल एज दैट आप दोनों को

मतलब पेड्री और गुंडोगोन के होते हुए भी इस पर ना होते हुए इन परफॉर्मेंसेस की बेस के ऊपर भी फेरन टोरस अगर स्टार्टिंग इलेवन में नहीं आ रहे तो इसका मतलब है कि भाई बहुत प्रॉब्लम है उनको आना चाहिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक्सक्यूज होना चाहिए अगर गुंडोवन को नहीं आप स्टार्ट करा रहे हैं तो फेरन टोरस डिजर्व करते हैं स्टार्ट करना लेफ्ट इंटीरियर पोजीशन के ऊपर राइट साइड के ऊपर भी आपके पास दो ऑप्शन है रफीनिया अब लमीन आई थिंक इसके अंदर कोई मसला नहीं ऑन बेस ऑफ परफॉर्मेंस रिसेंट कि लमीन यमाल को स्टार्ट करना चाहिए और वो डिजर्व भी करते हैं लेकिन जैसे वो रोटेशन पॉलिसी है तो आप रोटेशन पॉलिसी के चक्कर में रफीनिया को स्टार्ट करा सकते हैं मेरे हिसाब से अगर कंसेलो खेल रहे हैं ना और अगर आपने कंसेलो को फ्रीडम देना राइट right साइड के ऊपर ओवरलैप रन करने का तो वो बेहतर ज्यादा रहेगा अगर आपने कंसेलो को थोड़ा पीछे रखना है तो आप लमीन अमाल को खिलाएं और उनसे वो आउटपुट लें लेकिन अगर आपने कंसेलो को भी वैसे ही यूज करना है जैसे आप बाल्डे को लेफ्ट साइड के ऊपर करते हैं प्रॉपर राइट बैक के तौर पे तो पर इज अ मच बेटर ऑप्शन बिकॉज वो आपको वर्क रेट प्रोवाइड करेंगे और वो कंसेलो को भी डिफेंसिवली हेल्प करेंगे और वो इंटीरियर जाएंगे जो कि उनको भी हेल्प Uh, करता है वो उनके गेम प्ले को सूड करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि इस गेम के अंदर आप रफीनिया को स्टार्ट करा सकते हैं के साथ ताकि आपको वो वो चीज भी दिख दिख जाएगी जाएगी राइट अर्ली ऑब्वियसली uh, जो है वो स्टार्ट करेंगे उसके अंदर तो मुझे कोई डाउट नहीं है सो so, गाइस ये स्टार्टिंग एलेवन होगी या फिर हो सकती है और मैं भी ये चाहता हूं कि ये स्टार्टिंग इलेवन हो आई एम स्टिल सेइंग कि बार्सिलोना शुड विन दिस गेम अगर ये स्टार्टिंग इलेवन खिलाती है अगर आप और को रोटेशन के चो में नहीं करना चाहिए है, है? कर तो ये स्टार्टिंग इलेवन के साथ आई एम कॉन्फिडेंट के बाद सोना शुड बी एबल टू विन टू वन ठीक है आई एम कॉन्फिडेंट टू वन या थ्री वन इज माई प्रोडिक्शन अगर ये स्टार्टिंग इलेवन रहती है बाकी ये नहीं रहती तो वो एक अलग डिस्कशन है वो करेंगे फिर मैच के बाद आ, अच्छा यार अब कुछ न्यूज़ आ रही है ट्रांसफर न्यूज आ रही है सबसे पहले तो भाई न्यूज आ रही थी काफी अरसे से लिखती उन्होंने कतर के एक क्लब के अंदर चले गए विच इज अ वेरी सैड स्टोरी टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं नॉर्मली प्लेयर्स को जज नहीं करता कि अगर वो जाना चाहे बट बाई जस्ट ट्वेंटी ईयर्स ओल्ड ठीक है और छह मिलियन के अंदर जो

Uh, uh, to, uh, to मतलब छब्बीस सता सताईस कुछ तो किया होता है ना उन्होंने फिर भी मैं उनको जज नहीं करता बट यार बीस साल की उम्र में आप कतर जा रहे हो खैर ये एक न्यूज थी वो मैंने आप लोगों को दे दी उसके अलावा यार एक न्यूज आ रही है अभी रिसेंटली आ रही है गोल ब्राजील जो है उन्होंने ये रिपोर्ट किया है डीएम गैब्रियल मोस्कार बट दे वांट टू अवेल्युएट हिम फॉर अड बिफोर सेंडिंग एन ऑफर टू कॉरिंथियंस ऑब्वियसली उनका क्लब है ठीक है भाई ये तो एक पक्की बात है कि आ, कोई भी यंगस्टर होगा या कोई भी प्लेयर होगा इसके अंदर चेल्सी तो इंटरेस्टेड होगी होगी पता नहीं में कैसे चेल्सी इंटरेस्टेड नहीं थी लेकिन आ, यार जो इसकी प्रोफाइल है इज वेरी स्ट्रॉन्ग गुड ऑन द बॉल पोजेशन प्रेस रेजिस्टेंट है जो भी मैंने थोड़ी बहुत स्काउटिंग रिपोर्ट पढ़ी है वो मैं आपको लोगों को बता रहा हूँ थर्टी मिलियन के अंदर इट विल नॉट बी अ बैड ऑप्शन बट क्या आप थर्टी मिलियन एक यंग प्लेयर के ऊपर स्पेंड कर सकते हैं क्योंकि चलो फ्रीजियो डियाज का छह मिलियन तो मुझे समझ लगता था कि यार चलो एक साइड पे के आप 6 मिलियन स्पेंड कर दो और इसको डेवलप करते रहो लेकिन क्या थर्टी मिलियन आप स्पेंड करेंगे जब आपको पता है कि आप फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी खराब है, और, और एक, एक, मतलब है तो क्या थर्टी मिलियन स्पेंड करोगे और जो यखी जो लगाई है अब पता नहीं वो अगले समर तक कैसा रहता तो है आई डोंट नो विंटर के अंदर तो हालात बतले जैसे मैं ऑलरेडी आपको पिछली वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ तो इट मतलब अभी देखते हैं फिर क्या होता है बट इज ऑप्शन राइट और इट लुक्स लाइक के बासुना ब्राजीलियन प्लेयर्स को बहुत ज्यादा स्काउट कर रहा है तो लेट्स सी के क्या होता है बट कई ये न्यूज थी आज की फुटबॉल मैच से रिलेटेड बासुना वर्सेस बेटे अपनी प्रोडिक्शन दें कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन दे रिगार्डिंग दिस दिस न्यूज लाइक सब्सक्राइब शेयर की मी नॉल नेक्स्ट टाइम इज गुड बाय फॉर मी विसल